न पकोड़ा न भजिया, आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी सा नाश्ता जो घर में मौजूद सामान में ही बनकर झटपट से तैयार हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं मिलकर टेस्टी नाश्ता। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गंगा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने दो प्याज को पतली स्लाइस में काट कर ले लिया है। उसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल लूँगी और नमक डालकर उसे हम अच्छे से हाथों से मलते हुए और उसकी लेयर को अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने सारी लेयर अलग कर ली है। अब इसको हम उठा कर रख देते हैं एक तरफ। ये मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं। अब मैं इनको घिस कर ले लूँगी। अब मैंने दोनों आलू को मैं घिस कर ले लूँगी, तो मैं उनको ऐसे घिसूँगी ताकि लच्छे हमें लंबे ही मिले। तो आप देख सकते हो मैं एक ही साइड से आलू को घिस कर ले रही हूँ, तो मैं दोनों ही आलू को ऐसे करूँगी। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे ना इस तरह से, तो ये इसके लच्छे छोटे बनेंगे। तो हमें एक ही साइड से घिसेंगे तो लंबे लच्छे मिलेंगे। तो मैंने आलू को घिस कर ले लिया है। अभी मैं ठंडे पानी में इसे 5-10 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी ताकि इसका जितना भी स्टार्च है ना वो पानी में रह जाए। और इनको अच्छे से हाथों से टाइटली निचोड़ लेंगे हम। आप चाहे तो एक कपड़ा में बांध के इसको अच्छे से निचोड़ कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही अच्छे से, आप देख सकते हैं मैंने निचोड़ के पानी सारा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो इसमें जो पानी बचेगा आलू का, इसको पेड़ों की जड़ों में डाल देंगे ताकि पेड़ों को भी थोड़ा खाद मिल जाए। अब मैंने लच्छों को अच्छे से पानी से निकाल लिया है निचोड़ कर। ये मैंने हरी प्याज के पत्ते लिए हैं, ये मेरे किचन गार्डन की ही प्याज थी। इसको मैंने बारीक काट कर ले लूँगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ते में। अब मैंने 1/4 कप पोहा लिया है, पोहे को भी मैं नाश्ते में डालने वाली हूँ। अब मैं जो प्याज को नमक में करके रखा था उसको एक बर्तन में डाल लेंगे, और ये मैंने हरी प्याज के पत्तों को बारीक काट कर ले लिया, इसको भी डाल देंगे। साथ में मैंने थोड़ा धनिया भी काट कर लिया, इसको भी डाल देंगे। जो पोहा हमने रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इसमें जो आलू के लच्छे काट कर रखे थे वो भी डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि जितना पोहा हमने लिया था उतना ही मैं बेसन ले रही हूँ, वो भी हम डाल देंगे। आप ज़्यादा बेसन मत यूज कीजिएगा वरना पकोड़े का बिल्कुल टेस्ट देगा। आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल दूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी डाल दूँगी और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक डालिएगा क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दूँगी। अभी सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। पानी मत यूज कीजिएगा जब तक कि आपको ज़रूरत नहीं लगे, क्योंकि आलू में और प्याज में भी अपना पानी होता है, सभी सब्जियों में पानी होता है, जिससे कि वो अच्छे से अपने पानी में ही वो उसका डो बन जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से उसी में बिना पानी लगाए हुए उसका डो बनाया है। लेकिन अब रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, पनीर ऑप्शनल है, अगर आपका अच्छा लगे तो लेना वरना ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ले लोगे तो टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी मैं पनीर के 2 पीस कर लूँगी, इसी तरह छोटे छोटे पीस करके ले लूँगी पनीर के। अब 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। बेसन अच्छे से फूल गया है और अच्छे से चिपक भी गया है प्याज के साथ में, बाकी जो आलू के लच्छे थे और प्याज सब आपस में मिक्स हो गए हैं और बिल्कुल भी अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार हम इसे अच्छे से फिर दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी कि हाथों में तेल लगाकर, दोनों हाथों में तेल लगा लूँगी मैं, जिससे कि हाथों में चिपके नहीं और बिल्कुल लड्डू वाला डो लेंगे हम हाथों में, अपने हाथों में लड्डू की शेप वाला डो लेके और उसको शेप दे लेंगे अंडे के आकार की, ऑल शेप दे लेंगे। अब बीच में उंगली से उसको दबाते हुए और इसमें पनीर डाल लेंगे। आप चाहे तो अगर पनीर नहीं डालना चाहते तो उसी शेप में इसको फ्राई कर सकते हैं। अब सभी को हम इसी तरह तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे।
ये बिल्कुल भी पकोड़े वाला नहीं बन रहा है, बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाता, सच में बता रही हूँ, बहुत टेस्टी नाश्ता बनाता, हटके पकोड़े और भजिया से अलग ही टेस्ट आता है, तो ज़रूर बनाकर खाइएगा एक बार। तो अभी मैंने ये सभी को इसी तरह तैयार कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है, तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें अपना नाश्ता जो हमने बना कर रखा था उसमें डिप कर देंगे, आराम से डिप करिएगा, तेल ज़्यादा गर्म होता है। तो अभी अगर आप हाथ से डिप नहीं करना चाहते तो उसमें एक करछी में डाल के आराम से इजीली आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी चिपचिपा नाश्ता नहीं है, बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है हमारा नाश्ता। तो अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इनको तेल में रख दिया है, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। शुरुआत में डालते वक्त हम गैस को फुल पे रखेंगे और बाकी बाद में हम गैस को लो हीट पर कर देंगे, और क्योंकि थोड़ा हैवी होता है ना तो पकने में टाइम रहता लगता है, वरना कच्चा रह जाएगा अंदर से। तो अभी हम इनको उलट पलट करते हुए पका लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है या घर में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा तो झटपट से आप कम सामान में और बहुत टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं, चाय के साथ भी इसको हम इंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से पक गए हैं, हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब इनको हम निकाल लेते हैं तेल से, बाकी दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देंगे। इन्हें आप हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम कुरकुरा नाश्ता बना है। आप चाहे तो चावल का आटा डाल सकते हैं ज़्यादा कुरकुरा करने के लिए, लेकिन मैंने चावल का आटा नहीं यूज किया, पोहा यूज किया था, उससे भी इसका टेस्ट बहुत दुगना आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से अंदर पनीर की फीलिंग है। तो बनकर तैयार हो गया है नाश्ता, एंजॉय कीजिए। अब फुल रेसिपी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।